हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रियंका और हम कंटिन्यू करेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर रेशियो का सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है। यहां हम और प्रॉब्लम सम्स करेंगे रेशियो से रिलेटेड, जो हमने कवर नहीं किया था फर्स्ट वीडियो में। बट सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को एक बार रिकैप कर लो, ये रहा लिंक, फटाफट से जाओ रिकैप करो, वापस आओ, जिससे कि आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर सकें। नाउ सबसे पहले सीखते हैं कंपाउंड और सिंपल रेशियो क्या होते हैं, क्योंकि हमें कन्वर्जन करना है कंपाउंड से सिंपल रेशियो में। नाउ रेशियो सिंपल में ऐसे ही होते हैं जैसे हम लिखते हैं 2:3, ये सिंपल रेशियो है, या 3:5:7, ये सारे सिंपल रेशियोज हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जब कुछ फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 2:3:1:4 दे दे, ओके, सो ये कंपाउंड में आ जाता है। या फिर कुछ और बड़ा हो सकता है, 1:1:3, 2:1:4, फिर इस्टू का साइन दे करके नेक्स्ट दे दिया 3:1:2। सो ये सारे जो हैं ये कंपाउंड रेशियो हैं। तो जब भी आगे हम सम करेंगे और हमारे पास इस तरीके कंपाउंड रेशियो हो, तो हमारे को सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपल रेशियो मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ओके सो अच्छा, अब मैंने जब ये सम्स लिखे दिए, ये दो कंपाउंड में हैं, तो चलो इन दोनों को ही मैं सिंपल रेशियो में सबसे पहले चेंज करके दिखाती हूँ, ओके सो हम पहले का पार्ट जो है ये है 2:3:1:4। तो अब देखो, ध्यान से देखो क्या स्टेप्स हमें करने। तो जब ऐसा रेशियो दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं। ये यहाँ 3 और 4 है, जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। सो सबसे पहला स्टेप होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो हमारे केस में है 3 और 4। जब इसका एलसीएम तुम निकालोगे, जो यहाँ रफ में दिखा सकते हो, मतलब फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ में कर लो। सो 3 और 4 का हमारा आया एलसीएम 12, ओके अब क्या करना है, इसको हटाने के लिए हम इस रेशियो को वापस से लिखते हैं। 2:3 लिखा, थोड़ी जगह छोड़ दो, 1:4, ठीक है, काफ़ी स्पेस छोड़ दिया हमने। अब ये जो एलसीएम है, इनसे इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने 2:3 से इधर भी एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई किया, 1:4 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया। सो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, देखो कट रहा है ये 3:4 = 12, 4 × 2 यहाँ बन गया 8, और ये कट रहा है 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3। तो जो 2:3:1:4 कंपाउंड था, अब हमने उसे कन्वर्ट कर दिया सिंपल रेशियो में, विच इज़ 8:3, राइट। अब हम एक और सम कर लेते हैं। ये जो सम है, ये हमारे पास सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड को सबसे पहले तो इम्प्रॉपर में चेंज करें, ये पहला स्टेप होगा एलसीएम लेने से पहले। तो हम इसे बदलते हैं, 3 × 3 = 1, 4:3:2, 4 × 2 = 8 + 1 = 9 बाई 4, 3 × 2 = 6 + 1 = 7 बाई 2, ओके। अब हम चेक करेंगे हमारे डिनोमिनेटर्स 3, 4 और 2, और इनका एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3, 4 और 2, तो जब रफ में निकालोगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 12, यानी कि हमें 4:3 को थोड़ी जगह छोड़ दो, 9:4 को और 7:2 को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम 12 से। सो हम 4:3 को करते हैं 12 से, 9:4 को 12 से, 7:2 को भी 12 से, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 2 × 6 = 12, बस अब मल्टीप्लाई का काम बचा है। यहाँ 4 × 4 होता है 16, 9 × 3 होता है 27, एंड 7 × 6 = 42। सो हमारा कंपाउंड रेशियो अब चेंज हो गया सिंपल रेशियो में, इजी। हमारे पास है हमारे पहले दो सम्स। पहला सम है, इफ ₹120 is to be divided बिटवीन हरी एंड गोपी इन द रेशियो 5:3। तो हरी एंड गोपी में जो मनी, यानी टोटल मनी 120 डिवाइड करना है, उसका रेशियो भी हमारे पास पता है 5:3। हाउ मच डस ईच गेट, यानी अब हमें बस उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बहुत ईजी, हमने किया भी था, टोटल मनी बस इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी, टोटल मनी कितना है, ₹120, ओके नाउ रेशियो जिसमें डिवाइड करना है वो तो लिखा है 5:3। सो हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ द रेशियोज, ये कितना है
फाइव और थ्री यानी एट. ओके, सो अभी हमें टोटल पता चल गया रेशियोज़ का. अब हम निकाल सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड. सो देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय, पहले लिखा है हरी का नाम, सो हरी कैसे करते हैं, हरी का रेशियो है फाइव, तो उसका डिवाइड, उसका फाइव करते हैं नीचे सम ऑफ द रेशियोज एंड टोटल मनी इज़ 120. बस डिवाइड करो, देखो ये एट की टेबल में जा रहा है, एट वन जार एट 15, यानी उसको मिलेंगे 15 इंटू फाइव 75 रुपीज़. ओके, ये पहले का हुआ. अब हम नेक्स्ट लिखते हैं गोपी का. सो अमाउंट रिसीव्ड बाय गोपी. नाउ गोपी का जो रेशियो है वो 3 है, सो हम 3 लिखते हैं नीचे सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट. अभी हमने काटा था 8 को 120, हमको पता है 15 आना है आंसर. 15 इंटू 3 इज 45. सो हरी को मिलेगा 75 रुपीज़ और गोपी को मिलेगा 45 रुपीज़. हाँ, अगर कैलकुलेशन तुमको लगता है कि रॉन्ग हो सकता है या एग्जाम में कैसे चेक करोगे, सो वेरीफाई के लिए 75 45 ऐड करो, 120 ही हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो डिवीजन था वो बिल्कुल करेक्ट था. ओके, नाउ नेक्स्ट सम. ये तो बहुत ईजी है, डिवाइड 81 इंटू 2:3:4, यानी बिल्कुल बेसिक है. सो टोटल हमको पता है 81 है. सबसे पहले ये रेशियो का हम सम ऑफ द रेशियो निकालते हैं. सो सम ऑफ द रेशियोज 2 है, 3 है, 4 है. सो 2 प्लस 3 प्लस 4 9. अभी हमारा पहला पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट 2 है, सम ऑफ द रेशियो 9 है एंड टोटल 81. 9 9 = 81. सो पहला पार्ट हो गया 18. फिर हमारा आता है सेकंड पार्ट, दैट इज 3, नीचे सम ऑफ द रेशियो 81. ये भी आ गया 27. एंड लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ये था 4, तो 4 अपॉन 9 इंटू 81, दैट इज 36. तो हमारे ये तीन पार्ट आ गए, 18, 27, 36. ऐड कर लो, पता चल जाएगा ये राइट है कि नहीं. ठीक है, 8 7 15 और 6 होता है 21 1, 2 कैरी किया और 8, राइट. यानी हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है. मूविंग ऑन टू आवर थर्ड सम, डिवाइड रुपीज 10,400 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/2 1/3 1/4. नाउ ये जो रेशियो है ये सिंपल रेशियो नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में है. तो कंपाउंड रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट सबसे पहले करना पड़ेगा. तो हम अपने सम में और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो रेशियो को ठीक करते हैं. सो कैसा तरीका था, जो भी है 1/2 1/3 1/4 डिनोमिनेटर का एलसीएम, यानी कि किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4. 2 3 4 का एलसीएम निकालो तो तुम्हारा आंसर आएगा 12. ओके, ये रफ में निकाल लेना, तो तुम्हारा आंसर आएगा 12. यानी कि इससे हमें इन तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है. तो ऐसे करते 1/2 थोड़ी जगह छोड़ दो, 1/3 थोड़ी जगह छोड़ दो, 1/4 सबको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, इसीलिए जगह छोड़ी थी, राइट. अब जैसे कटता काट दो, सो 2 6 3 4 4 3 सब कट गया. यहाँ हमारा पहले पार्ट में आंसर आ रहा है 6, दूसरे पार्ट में आंसर आया 4 और लास्ट पार्ट में आंसर आया 3. अब ये हो गया एक सिंपल रेशियो, यानी अब सम भी बहुत इजी हो गया, सबसे बड़ा काम तो हो ही गया. अब क्या करना है, अब इसे हमें इस मनी को इस रेशियो में डिवाइड करना है. तो हमें अब चाहिए सम ऑफ द रेशियोज. सम ऑफ द रेशियोज हो गया 6 + 4 + 3 यानी कि 13. तो इसीलिए सबसे पहले हम करते हैं ए को कितना मिलेगा. सो अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, ए का रेशियो कितना है 6 है, टोटल सम ऑफ द रेशियो 13 है एंड टोटल मनी इज 10,400. एक बार ये डिवाइड करना पड़ता है, फिर हम बाकी में तो कॉपी कर लेंगे. 13 के टेबल में आता है 104, 13 8 जार, बाकी के 2 0, यानी इसको कितना मनी मिल रहा है, 800 × 6 4800. अब नेक्स्ट आता है अमाउंट रिसीव्ड बाय बी.
बी का रेशियो 4 है, नीचे सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाइड बाई टोटल मनी। ये अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें दिख गया ऊपर ये 800 आता है। सो आंसर होगा 800 इंटू 4 3200। बी को भी मिल गया। लास्ट वन सी, सो अमाउंट रिसीव्ड बाई सी, सी का है 3, सो 3 पार्ट है, नीचे सम ऑफ द रेशियो 10,400 13800। सो मनी कितना हुआ 800 × 3 2400। तीनों को मिल गए इतना। अब ऐड करके देखो ये आंसर जो है वो 10,400 आएगा, यानी कि भाई कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट। टास्क सम, मिस्टर गुप्ता डिवाइड ₹81,000 अमंग हिज 3 चिल्ड्रन अशोक मोहित एंड गीता। ठीक है, 81,000 को उसे 3 बच्चों में डिवाइड करना। यहाँ तक तो सम बहुत इजी लग रहा है। इन सच अ वे दैट अशोक गेट्स 4 टाइम्स व्हाट मोहित गेट्स एंड मोहित गेट्स 2.5 टाइम्स व्हाट गीता गेट्स, फाइंड ईच शेयर। यानी हमें तीनों का रेशियो ही नहीं दिया अशोक मोहित एंड गीता का। जब तक रेशियो नहीं निकलेगा तब तक हम ये सम नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले अगेन पढ़ते हैं कि किसे कितना मिलने वाला है। तो अशोक को कितना मिल रहा है, अशोक गेट्स 4 टाइम्स व्हाट मोहित गेट्स, मोहित का 4 टाइम्स मिलेगा। लेकिन हमें मोहित का भी नहीं मालूम मोहित को कितना मिलने वाला है। मोहित गेट्स 2.5 टाइम्स व्हाट गीता गेट्स, मोहित का सम भी गीता के सम पे डिपेंडेंट है। गीता को जितना मिलेगा उसका 2.5 टाइम्स। तो जब भी कभी ऐसा सम दिखे सबसे पहले देखो किसका एक अमाउंट ऐसा है जो निकल जाए जिससे बाकी सारे निकल जाए। तो हमें पता है वो है गीता का अमाउंट। गीता का निकलते से ही हम 2.5 टाइम्स करेंगे मोहित का आ जाएगा, मोहित का निकलते ही उसका 4 टाइम्स करेंगे तो अशोक का आ जाएगा। बट हमें गीता का ही सम नहीं मालूम, तो ऐसे में हम उसके सम को कुछ लेट कर लेते हैं, यानी कुछ भी मान लेते हैं। सो हम मानते हैं लेट गीता गेट्स रुपीज एक्स। ऑब्वियसली न्यूमरल फॉर्म में तो तुम कुछ मान नहीं सकते हो कि उसको 100 रुपीज़ मिल रहा है या 200। तो हम एक्स, एक्स मतलब कुछ भी अमाउंट मिल रहा है। अभी गीता को अगर एक्स मिल रहा है तो देयरफॉर सबसे पहले हमें मोहित का पता चल जाएगा। मोहित गेट्स 2.5 ऑफ गीताज अमाउंट, दैट इज 2.5 इंटू एक्स, तो उसको कितना मिला 2.5x रुपीज़ उसको मिल गए। ओके, नाउ नेक्स्ट है अशोक को कितना मिलता है। सो अशोक को मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ मोहित गेट्स, तो 4 टाइम्स मोहित को जितना मिला यानी 2.5x, इसे मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा 10x। ओके, सो अभी हमें तीनों के अमाउंट मालूम है, इसे x, इसे 2.5x, इसे 10x। अब इसके बाद के दो तरीके हैं हमारे पास सम करने के, मैं दोनों तरीके बता देती हूँ तुम्हें। ओके, तो तुम्हें जो इजी लगे तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो। सो सबसे पहले, क्योंकि हमें ये भी पता है गीता मोहित और अशोक को कितना मिलेगा और इन तीनों सम को टोटल करो तो ऑब्वियसली ये 81,000 ही होना चाहिए क्योंकि यही रुपया इन तीनों में डिवाइड हुआ है। तो पहला तरीका ऐसा है कि तीनों के सम को एक्स, 2.5x और 10x, इनको ऐड करने पे 81,000 ही होना चाहिए, यानी दिस इज इक्वल टू 81,000। हम इसे ऐड करते हैं, x का मतलब आगे 1 है, सो कितने सारे x है, 1x है, 2.5x है, 10x है, इनको ऐड करो तो आंसर आता है 13.5x है और हमें तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। सो x कितना होगा 81,000 और ये 13.5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो गया डिवाइड। अब ये डिवीजन डेसिमल का है, ये तुम लोगों ने सीखा है, इसे प्रीवियस चैप्टर में ही सीखा था। पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा और हम इसे डिवाइड करते हैं। सो ये 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और अब 5 से जा रहा है। 600 × 10 यानी कि x आ गया तुम्हारा 6,000। अब सारे अमाउंट पता चल जाएंगे। देयरफॉर गीताज शेयर, गीता का शेयर तो x ही है, x का मतलब 6,000 उसको मिल गए। फिर आता है मोहित का शेयर, मोहित का शेयर है
2.5 इंटू व्हाट गीता गेट्स, इसका मतलब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ₹15,000, ओके। और लास्ट आता है अशोक का, सो अशोक शेयर विल बी 4 times व्हाट मोहित गेट्स, मतलब 15,000 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये आ जाता है 60,000। सो हमारा क्या क्या शेयर हुआ, सी 6,000 है, 15,000 है, 60,000 है, एक बार ऐड कर लो 81,000 आता है कि नहीं, तो सी 60 and 15 दैट इज 75 और 6 होता है 81, यानी हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा है, अगर तुम्हें सम ऑफ द रेशियो के अकॉर्डिंग ये सम करना है, तो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ तक तो हमें कैसे भी सम को करना ही था ना, कि एक्स के फॉर्म में हम लेके आ गए, इसके बाद का पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ, तो तुम लोग नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ओके। तो जो दूसरा तरीका है वो है, हम इस सम को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या है, गीता का एक्स इस टू मोहित का है 2.5x और अशोक का है 10x। अब जो कटता है वो काट दो, वैसे ये पॉइंट है इसको भी हटा सकते हो, तो 2.5 को हटाए तो नीचे पॉइंट हटाया 10 आया, और कट रहा है ये 5/2। अब देखो तीनों में एक्स है, तो सबसे पहले तो ये एक्स कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बचता है 1:5/2:10, और ये क्योंकि बीच में कंपाउंड आ गया, यानी ये पूरा ही कंपाउंड रेशियो है, तो हम इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तीनों का एलसीएम क्या है, 2 डिनोमिनेटर्स का, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ 1 है, सो 1:1 का एलसीएम आएगा 2। इसका मतलब हम इसे क्या कर रहे हैं, हर रेशियो को, यानी 1 है, 5/2 है और 10 है, हर रेशियो को हम जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर का उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यानी इसे भी 2 से, इसे भी 2 से और इसे भी 2 से, सो हमारा अब रेशियो आ रहा है 2:5:20, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, हाँ 2 था, सो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी, सो ओके 2 आया, 5 आया और 20 आया, 2, 5 और 20, ओके। नाउ ये पार्ट हो गया, अब हम सम ऑफ द रेशियोज निकालेंगे, मतलब जैसे सम नॉर्मल चलता है हमारा वैसे चलेगा। सो सम ऑफ द रेशियोज कितना हुआ, 2+5+20, ये हुआ 27। तो अब आराम से निकाल सकते हैं, सबसे पहले गीताज शेयर दैट इज 2, सो 2 ऊपर लिखो नीचे 27, टोटल अमाउंट इज 81,000। एक बार 27 से 81,000 डिवाइड हो जाए, बाकी सारा इजी हो जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं, ये 9 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, ओके। सो 27 को 81,000 से डिवाइड करते हैं, 81,000 को 27 से, तो आंसर आता है 3,000। 3,000 इंटू 2, तो गीता का पता चल गया 6,000, देख लो पहले वाले में भी यही आया था ना। अभी नेक्स्ट आता है मोहित का, मोहित शेयर हुआ 5 है, सो 5/27 × 81,000। अब ये डिवाइड बार बार नहीं करेंगे, हमें पता है आंसर 3,000 आना है, 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये भी करेक्ट आ गया, वही आया था पहले भी। और लास्ट पार्ट है अशोक का, सो अशोक शेयर है 20, तो ऊपर 20 लिखो नीचे 27, 81,000 करते हैं, सो अगेन डिवाइड होके 3,000 आता है, यानी 20 × 3,000, 60,000, सेम अमाउंट आया है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा मेथड इजी लगता है। सो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया रेशियो का पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा प्रपोर्शन का, बट उससे पहले तुमने देखा है रेशियो के सम्स थोड़े ट्रिकी भी हैं, कुछ ईजी भी हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस करना है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।